उन्नाव का एक गांव इन दिनों रात भर जाग रहा है और पहरा दे रहा है क्योंकि यहां चोरों का आतंक बढ़ गया है और पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने से कतरा रही है। पुलिस की गश्त ना होने के कारण अब ग्रामीण खुद ही लाठी डंडे लेकर रात भर गांव की रखवाली करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सफीपुर कोतवाली इलाके में गंगा कटरी के अतहा गांव में हाथों में लाठी डंडे लिए चहलकदमी कर रहे इन लोगों की किसी से अदावत नहीं है। ये तो बस अपने गांवों को चोरों के आतंक से बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से यहां चोरों का आतंक है। गांव में चोरी की कई घटनाओं में करीब 25 लाख के सामान और पशुओं पर चोर हाथ साफ कर चुके हैं। चोरी कैश लगे 1.5 लाख, बाकी सब ज्वेलरी है, चांदनी, सोना, करीब एक बैग अंदर घुसे हैं। एक भी हम लोग जागते रहे, उसका सो गए हैं, एक डेढ़ घंटे में लेके गए पूरा। बारिश के मौसम की स्याह रातों को पहरा देना गांव वालों की मजबूरी है क्योंकि पुलिस फरियाद करने पर भी नहीं आती। लिहाजा अपना घर बचाना है तो जागना भी जरूरी है। यहाँ पे आते भी है पुलिस वाले तो यहाँ पे हम लोग जगराता करते रहते, वो भी हमसे पूछते हैं कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हुए हो, तो हम उनको बताते हैं सर कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, फलानी हमारे गांव में चोरी हो गई है, पुलिस आप लोगों का कोई साधन नहीं मिल रहा तो हम खुद अपना जगराता कर रहे हैं। जगराता करने के बाद में हमारी फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, उसके बाद में कोई सर ना कोई आता है ना कोई जाता है। गांव में पहरे के लिए शिफ्ट लगती है जिसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं। पुलिस तो सिर्फ फोटो खींच कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेती है। चोर आ रहे हैं हमें तो नहीं, घर में कुछ है तो बर्तन है भड़ा हुआ है, खा बना ले तो साहब जागा कही है तो लंदर साथ है, मनो जागा करते है लोंडे ऐसी ऐसी घूम रहे हैं तो अपन हम उठाड़ी है ने कि कोई आवे तो भला दुकान तो लेवे को ही तो यही मारे ठाड़ी रही साथ है। जिन्हें जागने की जिम्मेदारी दी गई थी वो चैन की नींद सो रहे हैं और जिन्हें खुद का घर सुरक्षित रखने की चिंता है वो खुद जागते हुए आवाज लगा रहे हैं कि जागते रहो। जो काम पुलिस का था सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा का, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा का, वो अब लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि उन्नाव पुलिस की लापरवाही किस तरीके से हावी है। राहुल शुक्ला, न्यूज टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहें आप न्यूज़ स्टेट के साथ।